गाइस, क्या आप एआई से लिखे हुए कंटेंट को गलत समझते हो और आप ये समझते हो कि गूगल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा और आपके ब्लॉग को डिग्रेड कर देगा? अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो आप उन लोगों से हार रहे हो जो आज की डेट में एआई से कई हजारों वर्ड का कंटेंट लिखवा के दिन के 10-20 ब्लॉग को पोस्ट कर रहे हैं और गूगल से ट्रैफिक भी ला रहे हैं और इनफैक्ट एडसेंस अप्रूवल करा के कई हजारों डॉलर जो है वो महीने का अर्न कर रहे हैं। आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हार रहे हो। अगर आपको लग रहा है नहीं, मुझे तो सेटिस्फैक्शन जो है ना वो तो लिख के ही मिलता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो दूसरे और किसी वीडियो को देख लो, इस वीडियो में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में ना, मैं सिर्फ उन लोगों को ही कैटर करना चाहूंगा जो लोग नई टेक्नोलॉजी आते ही ना दबोचने में बिलीव करते हैं, जैसे कि मैं और मेरे कुछ व्यूअर्स। तो इसलिए एआई टेक्नोलॉजी जो है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट का, तो आपको बिल्कुल भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से चूकना नहीं है। एज सून एज पॉसिबल उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का इस्तेमाल करने एक तरीका होना चाहिए और उसका बेस्ट यूज निकालना आना चाहिए। बस आज की इस वीडियो में मैं आपको एआई से कैसे कंटेंट लिखवाना होता है और कौन से स्टेप्स में उसको रिफाइन करना होता है ताकि वो कंटेंट ना ही सिर्फ एआई से ह्यूमन कंटेंट बन जाए बल्कि वो गूगल पर रैंक भी हो और आपके लिए ताबड़तोड़ ट्रैफिक लाए। और गूगल एडसेंस का अप्रूवल तो आएगा ही आएगा। इस पूरे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है। तो अगर आपको लगता है ये टॉपिक आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो लाइक से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने आज इस वीडियो में दिखाए गए स्टेप्स को अपनाना शुरू कर दिया, तो विद इन 3 मंथ्स आपको रिजल्ट इतने जबरदस्त दिखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं आज का बिजनेस स्टार्ट विद द फैक्ट्स कि एआई रिटन कंटेंट आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस, पीछे मेरा गूगल बार्ड खुला हुआ है। गूगल बार्ड खुद गूगल का अपना एक एआई मॉडल है जिससे मैंने खुद पूछा है कि एआई रिटन कंटेंट जो है इसके ऊपर फैक्ट्स बताओ। उसने मुझे फैक्ट्स क्या-क्या दिए हैं आपको बताऊं मैं? इसने कहा है कि एआई का जो बिजनेस है ना, ये बाय 2027 तक 267 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बनने वाला है, व्हिच इज अ वेरी बिग नंबर। इसका मतलब एआई ही फ्यूचर है आने वाले टाइम में, इसका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, यूएस के 37% बिजनेसेस ने अपना एआई को इंटीग्रेट कर लिया है अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के नीड को पूरा करने के लिए। 37% बिजनेसेस, वाओ। 28% ऑफ कंपनीज ने एआई को यूज किया है अपने मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, अपने मार्केटिंग के बैनर्स, कंटेंट वगैरह ये सब बनाने के लिए। तो अगेन आप सोच सकते हो कि मार्केटिंग के लिए अगर एआई आ गया है, तो गाइस कंटेंट इज समथिंग जो कि मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहां से सिग्नल मिल रहा है कि भैया एआई का कंटेंट जो है ना, ये मार्केटिंग पर्पस के लिए और ब्लॉग रैंकिंग के लिए बहुत जबरदस्त हो सकता है। इतना ही नहीं, गूगल बार्ड ने मुझे ये भी कहा है कि एआई आपके बिजनेस के प्रोडक्टिविटी को 40% तक बढ़ा सकता है अगर आप उसको राइट तरीके से इस्तेमाल करते हो। और 71% लोगों ने एक सर्वे में कहा है कि एआई जो है वो ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा इनोवेटिव है देन पीपल इन द वर्ल्ड, तो इसलिए एआई का इस्तेमाल जो है वो करना पसंद करेंगे। तो गाइस, इन जबरदस्त फैक्ट्स के साथ मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बूस्ट अप हो गया होगा। और इसी बूस्ट के साथ मैं आपको ले चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में। अब तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। मैंने अभी एक कंटेंट लिखवाया है, पूरा ब्लॉग आर्टिकल, हाउ टू बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस, आप यहाँ पर साफ देख रहे हो। तो इसने मुझे प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट के साथ मुझे पूरा ब्लॉग पोस्ट जो है वो लिख के दे दिया है, जैसे कि एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। उसने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, निच ढूंढने के लिए बोला, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च वगैरह वगैरह। मतलब अभी तो मैं इस पे नहीं जा रहा कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, बट इसने मुझे एक अच्छा सा कंटेंट लिख के यहाँ पर दे दिया है। तो पहला काम मुझे क्या करना है, क्या मुझे इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है क्या और अपने ब्लॉग में जाके इसको पब्लिश करके एसईओ करना है? नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो करना है वो ये है कि दो टूल बता रहा हूं, एक है आपका कंटेंट एट स्केल और दूसरा है प्लेजरिज्म चेकर के लिए क्यू टेक्स्ट। अगर आप इसको यूज करोगे तो क्यू टेक्स्ट एक प्रीमियम टूल है, कंटेंट एट स्केल तो बिल्कुल फ्री है, बट क्यू टेक्स्ट 500 वर्ड तक दिन के आपको फ्री में प्लेजरिज्म चेक करके बताएगा। कोई भी बाकी के फ्री टूल इस्तेमाल मत करना गाइज, यूजलेस है, क्योंकि उनका डेटाबेस बहुत
बहुत पुराना होता है और लेटेस्ट डेटाबेस के साथ क्यूटेक्स्ट आपको अभी का करंट सिचुएशन बताता है कि ये कंटेंट कहां से मैच हो रहा है, तो इसलिए मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा गाइस, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि नोटेक्स का इस्तेमाल करना आप शुरू कर देना अपनी वेबसाइट के अंदर, चाहे जितना मर्जी आप अच्छा ब्लॉग लिख रहे हो, क्योंकि नोटेक्स एक ऐसा वर्डप्रेस प्लगइन है जो कि आपको पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है टू इंक्रीज योर वेबसाइट्स पेज व्यूज। आप जब भी कोई नया ब्लॉग लिखोगे तो आपको हमेशा एसईओ पे वेट नहीं करना है या गूगल का इंडेक्स होने का वेट नहीं करना है कि वो गूगल पे इंडेक्स होगा तब रैंक होगा और तब जाके आपको ट्रैफिक मिलेगा। जैसे ही आपने कोई नया ब्लॉग पोस्ट किया, नोटेक्स आपके उन सारे सब्सक्राइबर्स को पुश नोटिफिकेशन सेंड करके आपका ट्रैफिक जनरेट कर देगा। ये इतना अफोर्डेबल है गाइस कि इसमें फर्स्ट 30,000 आप सब्सक्राइबर्स बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। उसके लिए आप किसी तरीके से कोई भी चार्ज नहीं दे रहे हो, अनलिमिटेड पुश नोटिफिकेशन आप सेंड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसका जो डिलीवरी रेट है वो 30% बेटर है बाकी पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज से। इसके अलावा इसमें इन ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि लोगों के मोबाइल पे नोटिफिकेशन जा रहा है, जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट में आया तो आप उसको एक नोटिफिकेशन दिखा सकते हो। ऑडियंस को सेगमेंटाइज कर सकते हो कि कौन सा ऑडियंस आपका किस तरीके से बिहेव करता है ताकि उस अकॉर्डिंग ही आप उसे पुश नोटिफिकेशन भेज पाओ। और तो और पुश मोनेटाइजेशन की आप अपने सब्सक्राइबर्स को मोनेटाइज भी कर सकते हो, जैसे ही पुश नोटिफिकेशन जाएगा आप वहां से अर्न भी कर सकते हो। आप यूजर्स को उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग भेज सकते हो, ऐसा ना हो कि अगर आपके वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं तो यूएस में जो इस टाइम पे सो रहा है आप उसको नोटिफिकेशन भेज रहे हो तो यूजलेस हो गया, क्योंकि वो बेकार आपका खत्म हो गया, मतलब समझो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। रियल टाइम पे चेक कर सकते हो कि कितने यूजर्स आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आ रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे आपके पास यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ये सारा मिलेगा आपको एक वर्डप्रेस प्लगइन की मदद से। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोटिक्स का डायरेक्ट लिंक दे दिया है, आप चाहो तो वहां पर जाके इसको इंस्टॉल करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो अप टू फर्स्ट 30,000 सब्सक्राइबर्स। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मुझे आज के डेट में ये चेक करना है कि मैंने जो AI से लिखवाया है वो कितना ज्यादा AI मैच्ड दिखा रहा है। यहां पर दिखा रहा है कि इस कंटेंट को, क्योंकि ये कंटेंट आप देखो यहां से हाउ टू बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस, इसको मैंने यहां से एज इट इज कॉपी किया और पेस्ट किया, और जब मैंने पेस्ट किया तो पता लगा कि इसका जो स्कोर है AI स्कोर है दैट इज 73%। बहुत हद तक इसको पकड़ा नहीं गया है कि ये AI है या नहीं है, क्योंकि इसमें येलो कलर का जो ये मार्क आ रहा है ये दिखाता है कि लाइकली बोथ AI एंड ह्यूमन ने मिलकर लिखा है, मतलब ये मिक्स है। तो गूगल के लिए एक चीज का ध्यान रखना, गूगल एक प्रिंसिपल फॉलो करता है EEAT, मतलब एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। गूगल कह रहा है कि आपका कंटेंट में ये चार चीज होनी चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस हो, आपका एक्सपर्टीज हो, और आपके कंटेंट के अंदर एक अथॉरिटी हो और ट्रस्टवर्दीनेस, लोग इसको बिलीव करें, मतलब उसका जो डेटा हो, एनालिटिक्स हो, या उसके ऊपर रिसर्च किया जो हो वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, बस इतना तो मेंटेन करना है। गूगल ने कहा लिखा है कि यार मुझे बिल्कुल भी AI से लिखा हुआ कंटेंट मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो यानी अगर इस कंटेंट के अंदर ये EEAT मेंटेन्ड है तो आपका काम बन गया। अब मैंने यहां पर सिंपल क्या किया, मैंने इस कंटेंट को यहां पर पूरा पढ़ लिया है कि यार वो सारी चीजें अवेलेबल है क्या, क्या इसमें मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब क्या मैं ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं इसका एक एक्सपर्ट हूं, तो मैं इसको पढ़ के समझ जाऊंगा कि हां ऑनलाइन बिजनेस तो ऐसे ही किया जाता है, इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यहां पर शो हो गया। एक्सपर्ट ही कैसे शो करोगे कि जब आप इसके अंदर ऐसे इनसाइटफुल कंटेंट दोगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लिख सकते हो, उसको आप ऐड करोगे अपने एंड पे तो वो आपका एक्सपर्ट ही आ गया। तो इसी प्रिंसिपल पर रहते हुए मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चेक किया ये AI कंटेंट जो है 3% है, तो उसमें से ये जो येलो और ऑरेंज है, देखो येलो में है अनक्लियर कि इफ इट इज AI जनरेटेड यू कैन लाइकली मेक दिस मोर ह्यूमन साउंडिंग, तो आप वो कह रहा है कि आप इसे चेंज कर दो। तो जहां जहां येलो ऑरेंज खासकर रेड है इनको तो मैं चेंज करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ये डिटेक्ट हो चुके हैं, इनको AI ने लिखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इनको चेंज करने के लिए एक नोट पैड ओपन किया और इसको मैंने चेंज कर दिया जहां जहां येलो थे। सो गाइस मैंने इसको पूरे को इससे चेंज कर दिया, लाइक यू कैन सी दैट, देन मैंने चेंज किया इतने से पार्ट को तो आप छोड़ दो ये तो हेडलाइन है, और इसको मैंने चेंज किया इससे, देन इसको मैंने चेंज किया इससे, आप अगर चाहो तो पॉज करके इसको वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, इसको चेंज किया मैंने इससे, और फाइनली जब मैंने नीचे देखा इसको चेंज किया मैंने इससे और इसको चेंज किया मैंने इससे, और ये पूरा जो है मैंने खुद लिखा है गाइस, ये चीज मैंने खुद लिखा है, बिकॉज मैंने क्या कहा था ई मतलब एक्सपीरियंस और ई मतलब आपका एक्सपर्टी, तो मैं अपना एक्सपर्टी खुद तो डालूंगा ना, तो किस पे डाल दिया,
जहां जहां AI डिटेक्ट हो गया मैंने वहां वहां मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये कंटेंट, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने दोबारा गया AI कंटेंट पे और जहां जहां वो येलो रेड ऑरेंज था वहां पर मैंने चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद जब मैंने दोबारा इसको रन किया चेक फॉर AI कंटेंट, तो गाइज अब निकल के आया 97% ये पूरी तरीके से इंसान ने लिखा है, आप साफ देख पा रहे हो, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने यहां से चेंज कर दी है लाइक दिस। आप देख रहे हो कोई भी रेड येलो ऑरेंज अब नहीं है, रेड है तो वो हेडलाइंस है, हेडलाइन इज समथिंग जिसको मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा, आप भी मत करना, थोड़ा बहुत है तो इतना तो चलने दो, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये था फर्स्ट थिंग। तो जैसे ही मैंने AI कंटेंट को फाइनल कर दिया कि AI कंटेंट तो भैया मेरा बिल्कुल एप्रोप्रिएट बन गया है, अब मैंने इसको क्या किया अपने प्लेजरिज्म चेकर पे जाकर चेक किया और यहां पर मुझे इसका प्लेजरिज्म मिला 23%। 23% मतलब कि आपके पूरे कंटेंट का 23% जो है इसके कुछ मैचेस मिले हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ मैचेस, ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड कॉपीड है या पूरा का पूरा किसी एक ब्लॉक को, किसी एक पोर्शन को, पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया गया, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं ये कुछ लाइंस हैं, अगर मैं इस लाइंस के ऊपर होवर करता हूं तो आपको दिख रहा है 60% मैच। मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूं, तो ये 60% मैच है किसके साथ, एक handsonlineearning.com है। क्या है मेरा लाइन, क्या है देखो, जो मुझे AI ने लिख के दिया है, रिसर्च डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड आइडेंटिफाई गैप्स और एरियाज वेयर यू कैन प्रोवाइड यूनिक वैल्यू। अब यहां पर क्या था, आइडेंटिफाई गैप्स और एरियाज वेयर यू कैन प्रोवाइड यूनिक वैल्यू, देख रहे हो, तो आइडेंटिफाई यहां से स्टार्ट हुआ है, रिसर्च डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड आइडेंटिफाई गैप्स, तो आइडेंटिफाई गैप से स्टार्ट हुआ है, तो इसको मैच मान लिया गया है। तो यहां से सिर्फ एक लाइन को लिया गया है विच इज क्वाइट कंसिडरेबल कि इतना चल सकता है। बाकी मार्केट रिसर्च इज एसेंशियल 67% है, तो यहां से लिया गया मार्केट रिसर्च इज एसेंशियल एंड अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। तो अब आप देख लो कि क्या आपको ये लाइन चेंज करनी है। अगर आपको ये लाइन चेंज करनी है तो सिंपल आप एडिट पे जाओगे और यहां पर जहां पर ये येलो मार्क्स हैं इनको आप चेंज करोगे कि अपने लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड आइडेंटिफाई गैप्स और एरियाज वेयर यू कैन प्रोवाइड यूनिक वैल्यू। मैं इसको चेंज करने के लिए इसको मैं एंटर करता हूं और इस लाइन को अपने लैंग्वेज में लिखता हूं, जैसे यू कैन डू योर ओन रिसर्च इन इंडस्ट्रीज एंड ट्राई टू फाइंड द गैप वेयर यू कैन प्रोवाइड योर ओन वैल्यूबल रिसोर्स। तो गाइस देखो, मुझे कंटेंट लिखते लिखते आदत हो गया है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुझे इस चीज को इसमें कन्वर्ट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, बट आपको आ सकती है बिकॉज अभी आप नया स्टार्ट कर रहे हो, बट जैसे जैसे आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे ना तो आप देखोगे एक टाइम के बाद आपको बिल्कुल आ जाएगा कि इस चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है लेकिन पूरी तरीके से मैंने इसको यूनिक बना दिया। अब देखो ये 23% था, मैंने इस लाइन को चेंज करने के बाद सेव एंड रीचेक जैसे ही करूंगा आप देखोगे जस्ट बिकॉज वो लाइन हट गया ना तो ये 23% से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा लाइक दिस। सो आपके आंखों के सामने बिल्कुल मैंने प्रूफ कर दिया कि 2% 23 से 21 तक लाना, मतलब 2% था वो एक लाइन, मैंने उसको चेंज कर दिया और वो बन गया यूनिक। और इस तरीके से आप अपने इन लाइंस को जो कि खासकर आइडेंटिफाइड है एज अ सिमिलर मैप, तो उसको आप चेंज करते हुए चलोगे एंड योर कंटेंट विल बी फाइनली रिफाइंड कि ये 21% भी नहीं रहेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 20 से कुछ भी नीचे ले आओगे, 20% से कुछ भी नीचे, तो आपका कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर माना जाएगा, कॉपीड नहीं माना जाएगा। इसमें आपने अगर अपनी एक्सपर्टी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग खुद कुछ एलिमेंट्स जोड़े हैं जो कि इनसाइटफुल हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रहे हैं और उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने बताया है, आपका एक्सपीरियंस है, तो गाइज ये चल जाएगा। सो दिस कैन बी द बेस्ट ब्लॉग टू रैंक ऑन गूगल। तो गाइज अगर आप इन दोनों टूल का इस्तेमाल कर लेते हो, जैसे कि नंबर पे AI कंटेंट डिटेक्शन टूल कंटेंट एट स्केल, जिसके अंदर ये पता लग जाएगा कि अब ये AI साउंडिंग लग रहा है या फिर ह्यूमन की तरह कंटेंट लग रहा है, नंबर वन। सेकंड, जब आप वहां से वेरीफाई कर लेते हो कि हाँ अब ये ह्यूमन टोन के अंदर एक कंटेंट आ गया है, बस अब चेक करना रह जाता है कि प्लेजरिज्म, और प्लेजरिज्म के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो क्यूटेक्स करते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट डेटा पे बेस्ड होता है। मेरा प्रीमियम है, आप प्रीमियम 500 वर्ड्स दिन के कर सकते हो इसमें इस्तेमाल। लेटेस्ट कंटेंट से प्लेजरिज्म चेक करना बहुत जरूरी है, वरना अगर आप ये स्मॉल एसईओ टूल्स वगैरह यूज करोगे, डुप्ली चेकर यूज करोगे, तो उनका कंटेंट कई कई सालों पुराना होता है, तब तक तो बिलियंस ऑफ कंटेंट्स मार्केट में और आ चुके हैं, उनसे मैच नहीं करता और वो यूनिक दिखा देता है। बट जब आप कोई प्रीमियम टूल
इस्तेमाल करते हो तभी आपको पता लगता है कि ये तो भैया प्लेजराइज था। तो ये दोनों टूल जैसे ही आप इस्तेमाल करके ये कॉन्फिडेंस ले आते हो कि भाई अब तो मेरा कॉन्टेंट जो है बिल्कुल 100% यूनिक एंड AI फ्री है, तब जाके आप इस कॉन्टेंट को अपने ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हो। लेकिन ब्लॉग पोस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं गाइस कि आपको अगर रैंकिंग चाहिए तो उसका प्रॉपर SEO होगा। आपका सिर्फ कंटेंट बेस्ड पे ही आप सोचोगे कि आपको रैंक मिल जाएगा, नहीं होने वाला। उसके लिए प्रॉपर आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, देन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, देन टेक्निकल SEO, देन ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। और उसके लिए आपको मैं देने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो ऑन दीज ऑल SEO पार्ट्स, जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग को आराम से रैंक करा सकते हो। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहोगे अपने लाइफ में। और अगर चाहोगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एक अप्रिसिएशन करने की कोशिश करना ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए। और कॉन्टेंट को गाइस शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग, बचपन से सिखाया गया हमें। शेयर करोगे तो मेरा भी एक फायदा होगा कि मेरे कॉन्टेंट की रीच बढ़ेगी, और आपका ये फायदा होगा कि आप दुनिया को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो मेरे कॉन्टेंट को शेयर करके आपके दोस्तों को या आपके फैमिली मेंबर्स को। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं कंटिन्यूअसली आपको इस चैनल पे देता रहता हूं, आपको पता है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, और यूं ही मुस्कुराते रहिए।